हाय गाइस, दिस इज मी सौरभ। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग जिम जाते हो या नहीं, या फिर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हो या नहीं, या आपके पेरेंट्स, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपसे इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे एसेंशियल सप्लीमेंट शेयर करूंगा जो हर किसी को लेने चाहिए। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो आपको ये 5 सप्लीमेंट हमेशा अपनी लाइफ में कंज्यूम करने चाहिए। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब। आप उस पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइस, अगर आपको फिटनेस रिलेटेड कोई सी भी क्वेरीज होती हो, आपको मेरे से मील प्लान, वर्कआउट प्लान या डाइट प्लान कुछ भी बनवाना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर freecoachingsaurabh@gmail.com पे मैसेज कर सकते हो और वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। तो गाइस, सबसे पहला सप्लीमेंट है मल्टी विटामिन। गाइस, कुछ फर्क नहीं पड़ता आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं, या फिर आप जिम जाते हो या नहीं। गाइस, अगर आप बाहर जाके ऑफिस भी जाते हो या स्कूल भी जाते हो आप, तो तब भी आपको मल्टी विटामिन अपनी डाइट में कंज्यूम करनी चाहिए। गाइस, एनवायरनमेंट में इतने सारे टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, हमारा जो फूड बनता है वो इतने केमिकल से बनता है, इतने पेस्टिसाइड से बनता है, उसके अंदर ऑलरेडी इतने केमिकल्स प्रेजेंट है। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी उन टॉक्सिन्स से कैसे लड़ेगी। तो अगर आपको अपनी बॉडी को इतना ऑप्टिमल बनाना है कि वो उन टॉक्सिन्स को झेल पाए, उन टॉक्सिन्स से लड़ पाए, तो जो आपको सबसे पहला सप्लीमेंट अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है वो है मल्टी विटामिन। आप कोई से ब्रांड का मल्टी विटामिन चूज कर सकते हो, बट गाइस, अगर आपको अफोर्डेबल सप्लीमेंट चाहिए मल्टी विटामिन के अंदर, तो गाइस 30 रुपीज के अंदर बैका डेक्सिमिन का एक मल्टी विटामिन आता है। वो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। आप उसको अपने केमिस्ट शॉप से भी खरीद सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस मल्टी विटामिन को वहां से खरीद सकते हो। गाइस, दूसरा सप्लीमेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। गाइस, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने से आपकी स्किन अच्छी बनती है, साथ के साथ आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी होती है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको एक्ने हो रहे हैं, या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं, या फिर आपको डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो ओमेगा 3 डेली कंज्यूम करने से ये सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है आप लोगों को जो अपनी डाइट में इंक्लूड करना है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। गाइस, थर्ड सप्लीमेंट अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे इंडिया में बहुत पास से यूज किया जा रहा है। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे योगी मुनि सब लोग अश्वगंधा का यूज करते थे, और ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको हर किसी को अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए। गाइस, आजकल देखा जा रहा है कि जितने लोग होते हैं, या तो वो फैटी होने की वजह से या फिर स्ट्रेस लेने की वजह से, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, या फिर हम हर किसी स्टेज पे स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारी बॉडी ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जिससे जो हमारा मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसकी कमी होने लग जाती है बॉडी के अंदर। तो अगर आप अश्वगंधा रोज डेली कंज्यूम करोगे तो इससे आपको ढंग से नींद भी आ पाएगी, साथ के साथ जो आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है वो भी अच्छी हो पाएगी। और गाइस, इसको हर कोई ले सकता है, मेल फीमेल सब ले सकते हैं। ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज नहीं करता, बट ये हमारे को अच्छी नींद देता है। अगर आपको अच्छी स्लीप, साउंडफुल स्लीप आएगी, तो आपकी बॉडी में सारे जो आपके मसल टिश्यूज और आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होंगे वो जल्दी से जल्दी रिपेयर होंगे, और आपके जितने भी हार्मोन्स होंगे वो ऑप्टिमल स्टेज तक पहुंच पाएंगे। गाइस, फोर्थ सप्लीमेंट इसबगोल। गाइस, इसबगोल इसलिए आपको ऐड करना है क्योंकि आजकल हम जितने भी खाना खाते हैं सब प्रोसेस्ड हैं। हम चावल खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, ज्यादातर चीजें प्रोसेस्ड होती हैं। तो ऐसे प्रोसेस्ड चीजें खाने से हमारे को अपनी डाइट के अंदर फाइबर नहीं मिल पाता। फाइबर का जो मेन काम होता है हमारी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेशन कराने का। अगर आपका फूड ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, अगर आपका फूड ढंग से आपकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करेगी, तो आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो आपको इस सब गोल को ऐड करना है अपनी डाइट में, जिससे आपकी बॉडी को एडिक्वेट फाइबर मिल पाए, जिससे आपका जो फूड है वो ढंग से आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाए। और गाइस, अगर आपको सुबह सुबह उठ के ढंग से पेट भी साफ नहीं होता, तो ऐड फाइबर। फाइबर ऐड करने से सुबह सुबह आपका बोल सिस्टम भी अच्छे हो पाते हैं, साथ के साथ आपका पेट भी अच्छी तरह साफ हो पाता है। गाइस, फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट कैल्शियम। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है आज के टाइम में। एक तो जो हमारा मिल्क है वो बहुत से लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, आजकल बहुत से लोगों ने मिल्क छोड़ दिया है। अगर आप भी उनमें से आते हो तो गाइस, आपको कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर ऐड करना है अपनी डाइट में। बहुत से लोग आजकल सफर कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस से, आर्थराइटिस से, साथ के साथ सर्वाइकल से। तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं ये तब डेवलप होती हैं जब जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो वीक हो जाती है। तो इस वजह से ये सारी डिजीज आपकी बॉडी में डेवलप होती हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम रखोगे तो ये सारी डिजीज भी आपकी बॉडी में नहीं लग पाएंगी। और गाइस, जब भी आप कैल्शियम सप्लीमेंट लोगे तो उसके अंदर आपको विटामिन डी3 जरूर देखना है।
कैल्शियम सप्लीमेंट विदाउट विटामिन 3 हमारी बॉडी ढंग से अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। गाइस अब बात करते हैं डोसिंग की, कि ये सारे सप्लीमेंट आपको कब लेने और कितने लेने। गाइस पहला सप्लीमेंट था मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन आपको एक कैप्सूल या एक टैबलेट लेना है विद ब्रेकफास्ट। दूसरा सप्लीमेंट था ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको 500 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम तक लेने हैं विद लंच। थर्ड सप्लीमेंट अश्वगंधा। अश्वगंधा आपको 300 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक लेना है रात को सोने से पहले दूध के साथ या फिर पानी के साथ। फोर्थ सप्लीमेंट इसबगोल। इसबगोल को लेने के दो तरीके हैं, या तो आपको इसको रात को सोने से एक घंटा पहले 1.5 चम्मच 2 से 3 ग्लास पानी के साथ लेना है, या फिर आप इसे मील कंज्यूम करने से 20 मिनट्स पहले ले सकते हो आधा चम्मच पानी के साथ। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट कैल्शियम। कैल्शियम आपको हर रोज 1 ग्राम लेना है, चाहे वो आप दूध से लो या सप्लीमेंट से लो, बट आपको हमेशा हर रोज कैल्शियम 1 ग्राम लेना है। और आपको ये ध्यान में रखना है, जो आप उसके साथ विटामिन D3 ले रहे होंगे उसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो अराउंड 300 IU से लेकर 400 IU तक होनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी कैल्शियम को अच्छी तरह अब्सॉर्ब कर पाए। तो गाइस ये कुछ 5 सप्लीमेंट्स थे जो आपको हमेशा अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, चाहे आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं, चाहे आप जिम जाते हो नहीं, ये हर किसी के लिए हैं, चाहे वो ऑफिस जाता हो चाहे स्कूल जाता हो। गाइस वीडियो को समअप करने से पहले अगर आपके कोई भी सजेशंस होते हो, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।